नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने कंपनी बनाई है या कंपनी बनाने चाहते हैं तो आपको एक चीज ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, डिन नंबर। डिन नंबर यानी DIN नंबर क्या होता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और साथ में इसको बनाने के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, इन सारी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पसंद आ जाए तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बिजनेस से संबंधित, कंपनी एक्ट से संबंधित काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मैं देता हूँ जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा चले और आपको जो है और ज़्यादा जानकारी हो कंप्लाइंसेस के विषय में, ऑडिट के विषय में। और अगर आप भी अपनी कंपनी बनवाना चाहते हैं और सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैं इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आपको कुछ जानकारी भी चाहिए तो आप यहाँ पास मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि डिन नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, डिन नंबर का मतलब होता है DIN का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है या उन लोगों को दिया जाता है जो लोग कंपनी बनाना चाहते हैं या जो कंपनी में डायरेक्टर है, तो उनके लिए ये DIN नंबर इशू होता है। ये 8 डिजिट का होता है, मतलब कि इसमें 8 नंबर्स होते हैं और यूनिक कोड होता है। ये यूनिक नंबर होता है जो कि आपको लाइफ में एक ही बार मिलता है और इसकी वैलिडिटी पूरे लाइफ टाइम होती है, मतलब कि आपको हमेशा क्या होगी, जो डिन नंबर मिलेगी आपके लिए जिंदगी भर के लिए वही रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको कंपनी बनानी है, अगर एक से ज़्यादा भी कंपनी बनाते हैं तो भी आपका डिन नंबर सेम ही रहेगा, मतलब कि अगर आपने अलग अलग कंपनियां बनाई तो ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग डिन नंबर इशू होगा। जितने भी आपकी कंपनियां होंगी सब में आपका वही डिन नंबर रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि डिन नंबर यूनिक नंबर होता है, मतलब कि दूसरा नंबर वैसा नहीं होता है आपके लिए, वो यूनिक नंबर है और आपके लिए ही वो नंबर है, कि वो नंबर किसी दूसरे को भी इशू नहीं होता है। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं कि डिन नंबर को बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो डिन नंबर को बनाने के लिए MCA में ऑनलाइन फॉर्म DIR 3, जिसको डायरेक्टर 3 भी बोलते हैं या DIR 3 भी बोलते हैं, अप्लाई किया जाता है। ये बेसिकली एक ई फॉर्म होता है। आप जो है जब DIR 3 फॉर्म फाइल करते हैं तो उसके बाद आपको डिन नंबर बन के आता है। तो दोस्तों, क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपने कंपनी बंद कर दी और आप उस डिन नंबर को नहीं रखना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक है कि आपको अगर अपना डिन सरेंडर करना हो तो आपको एक ई फॉर्म आता है DIR 5, तो इससे आप अपने डिन को सरेंडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आपको कौन सा फॉर्म लगता है, तो इसके लिए जो फॉर्म आता है DIR 6, तो DIR 6 में आप इस डिन से संबंधित चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों, डिन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास कर कंपनी डायरेक्टर के लिए। अगर आपके पास है डिन नंबर या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपके पास डिन नंबर होना बहुत ही जरूरी है और इसका ये आपको लाइफ में दूसरी बार नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको आपने एक बार डिन नंबर बना लिया है तो आपकी जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के लिए एक ही डिन नंबर की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको काम आई होगी। काम आने से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कुछ सजेशन या एडवाइस चाहिए तो मैं इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो, मोबाइल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो भी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पास मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।